हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सभी रेलवे वालों के लिए है, जितने भी छात्र हैं रेलवे से जुड़े हुए, जिन्होंने भी अपना एनटीपीसी का एग्जाम दिया है और आगे आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ANI का ऑफिशियल ट्वीट है। यहाँ पे ये ट्वीट किया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एन लेवल वन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन अ वेक ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। यानी कि स्टूडेंट जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको देखते हुए एक नया कमेटी का गठन कर दिया गया है। अ कमेटी हैज बीन फॉर्म टू लिसन टू द कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड और फेल्ड। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेटी यहाँ पे सुनेगी और वो कमेटी जो है फिर रेलवे मिनिस्टर से इंटरेक्ट करके आप जो भी उचित सोल्यूशन होगा वो निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्वीट है, ये जारी कर दिया गया है और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ये जो है वो पॉपुलर कैटेगरी नॉन एनटीपीसी के लिए और लेवल वन के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, जो इस कमेटी के मेंबर है वो भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये देखिए, हाई पावर कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द कंसर्न्स एंड डाउट रेज्ड बाय कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के द्वारा जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जितने भी अभी देख सकते हैं जितने भी आंदोलन चल रहे थे यूपी बिहार से लेकर आने के राज्यों में, तो उनको देखते हुए यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार का कोई और जो भी आपका आंदोलन है वो आगे ना बढ़े, इसलिए यहाँ पे रोक लगा दिया गया है। पूरे जो प्रोसेस है वो पूरा एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है और ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उस पर पूरा का पूरा रोक लगा दिया है, जब तक यहाँ पे आपका यहाँ से रिजल्ट नहीं आता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंस्टिट्यूशन का कमेटी में जो मेंबर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, दीपक पीटर जो कि चेयरपर्सन है इंडस्ट्रियल रिलेशन रेलवे बोर्ड के, उसके बाद श्री राजीव गांधी ये मेंबर सेक्रेटरी हैं RRB रेलवे बोर्ड के, उसके बाद श्री आदित्य कुमार ये भी देख सकते हैं चीफ पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न रेलवे के, और श्री जगदीश अलगर ये भी हमारा चेयरपर्सन है RRB चेन्नई की ओर से, और मुकेश गुप्ता ये चेयरपर्सन है RRB भोपाल की तरफ से। यहाँ पे इन पांच मेंबर्स का एक कमेटी बनाया गया है। तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों को यहाँ पे राइज करना है, तो इनके पास, इनके ऑफिशियली यहाँ पे हमको राइज करना होगा। एक टीचर का ग्रुप बना के और स्टूडेंट का ग्रुप बना के कुछ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन लोगों से, और जो भी फैसला लिया जाएगा वो बात इसके बाद दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी दिया गया था, कैंडिडेट कैन लॉज देयर कंसर्न्स एंड सजेशन टू अ कमेटी एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, rrbcommittee@railnet.gov.in। यहाँ पे जितने भी कंसर्न्स है जो भी है वो यहाँ पे आपको भेज देना है, ताकि जो भी उसके बाद उसको देख के उचित जो सॉल्यूशन है निकाला जाएगा। यहाँ पे और आगे पढ़ सकते हैं, ऑल चेयरपर्सन ऑफ RRB हैव ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रेवेंसेज ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंपाइल दिस ग्रेवेंसेज एंड सेंड द सेम टू कमिटी। कैंडिडेट्स आर गिवन 3 weeks ऑफ टाइम। यहाँ पे 3 week का टाइम दिया गया है, 16 फरवरी 2022 तक यहाँ पे हम लोग के पास टाइम है कि जो भी प्रॉब्लम है, कंसर्न है, वो हम यहाँ पे राइज करें और उसके बाद जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। और यहाँ पे तब तक के लिए जो भी NTPC का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, मतलब अस्थायी रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली लिखा गया कि पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन जितना भी पहले था कि एग्जाम होने वाला है नहीं होने वाला है, वो सारे के सारे अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। एग्जाम अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जब आंदोलन करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई पॉजिटिव अपडेट निकल के आती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े धैर्य बनाए रखें, जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि आज 26 जनवरी है, आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी हिंसा कार्य ना करें, जिससे कि रेलवे बोर्ड को या भी किसी भी हमारे राष्ट्र संपत्ति को क्षति पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।